चलिए दोस्तों, बात करते हैं 21 दिसंबर के एडिटोरियल की, जो कि बहुत शानदार एडिटोरियल है, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और फॉर्मर यूनियन लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने लिखा है। ये दो इंटेलेक्चुअल्स की बातें या दो इंटेलेक्चुअल्स के जवाब सवाल या एक कन्वर्जेशन भी कह सकते हो आप। इस रीजन से भी मैंने ये वाला एडिटोरियल आपके लिए पिक किया है। इसमें मोस्टली मतलब पहले जो कवि आपने 18 दिसंबर को जो पिनरई विजयन जी का जो आपने एडिटोरियल देखा होगा, मैंने उस पर भी वीडियो बनाया था, तो उसमें आपने देखा होगा कि किस हिसाब से पिनरई विजयन जी ने कुछ पॉइंट लेकर और एडिटोरियल मतलब अपने विचार व्यक्त किए थे द हिंदू पे कवर पेज पर। बाकी इनका ये जो है एडिटोरियल नीचे लिया गया है बाकी सुब्रमण्यम स्वामी जी का, ये तो पेपर वालों का जो भी जैसा अपना मैनेजमेंट हो, लेकिन वो पिनरई विजयन जी का फ्रंट पैनल में था, पहला एडिटोरियल उस चीज पे था। चलिए तो बगैर देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने क्या जवाब दिया और क्या क्या हमें उसमें जानने को सीखने को मिलेगा। सबसे पहले तो दो इंटेलेक्चुअल हैं, तो सौ ऐसी बात है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जानने को मिलेगा। इंटेलेक्चुअल्स हैं, इतने एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं, है ना। चलिए तो हेडिंग, और ये मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव भी मिला, इतने दिनों से मैं कंटिन्यूसली जो पेपर पढ़ रहा हूँ या कंटिन्यूसली जो भी न्यूज़पेपर देख रहा हूँ उसमें ये थोड़ा सा मुझे पॉजिटिव लगा, इतनी नेगेटिविटी के बीच में, तो मैंने कहा इस पर बात कर ली जाए थोड़ी सी। तो इसकी हेडिंग से ही आप समझ गए होंगे, द प्रीमैच्योर अनाउंसमेंट ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट, मतलब बगैर सोचे समझे भाई निंदा की जा रही है किसके बारे में, सिटीजनशिप एक्ट में, सिटीजनशिप एक्ट के बारे में, ठीक है, जो अभी के रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने पास किया है। इट्स अ क्रिटिक मस्ट अप्रिशिएट टू नीड द ब्रिंग क्लोजर टू द कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिलीजियस थियोरोसिटी इन द न्यू इंडियाज नेबरहुड, मतलब जो इंडियाज नेबरहुड थियोरोसिटी मतलब जो धार्मिक नेशन कहलाते हैं थियोरोसिटी या धार्मिक बेस्ड रिलीजियस बेस्ड जो नेशन है, वहां पे जो माइनॉरिटीज पे जो अत्याचार हो रहे हैं या परसिक्यूशन हो रहा है उसको क्लोजर मतलब क्लोज से देखना चाहिए कि आखिरकार क्या है। तो ये शुरू करते हैं कि पिनरई विजयन सीनियर लीडर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट है ना, मार्क्सिस्ट एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला, हैज रिटन ऑन द इंडियन इन द हिंदू एडिटोरियल पेज टाइम टू डिफेंड इंडिया सेकुलरिज्म, मतलब ये टाइम आ गया है किस चीज को डिफेंड करने का, धर्मनिरपेक्षता को, ये उनका टाइटल था उस दिन 18 दिसंबर का, ठीक है। ऑन वाई ही अपोज द रिसेंटली इनेक्टेड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, ही गिव थ्री रीजन फॉर हिज अपोजिशन, उन्होंने अपोज किया था इस चीज को, उन्होंने तीन रीजन दिए थे, इन ऑर्डर टू टेक अप द रिव्यू दीज रीजन, मतलब उसका जांच या उसको सही करने के लिए या उसके खत्म करने के लिए, उनको मतलब उन रीजंस को मतलब काउंटर करने के लिए, ठीक है, रिव्यू मतलब काउंटर करने के लिए। द एम टू ऑब्जेक्ट ऑफ द लेजिस्लेशन पास्ड बाय द बोथ हाउस पार्लियामेंट बाय लार्ज मेजोरिटी, उन्होंने कहा कि दोनों हाउस ने वो पार्लियामेंट की बोथ मेजोरिटी के साथ इसे पास किया। इन हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लेजिस्लेशन नीड फर्स्ट टू बी मेड क्लियर, और इम्पोर्टेंट कॉन्स्ट्रक्ट है, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। अब रिस्पॉन्स क्या दिया इन्होंने, द सिटीजनशिप एक्ट, ये पहले उन्होंने बता दिया कि पहले ये क्लियर होना चाहिए कि मेजोरिटी से पास हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और पूरी विधायिका मतलब पूरे का पूरे रूल एंड रेगुलेशन का इसमें यूज हुआ है, तो ये कोई बात नहीं होती कि आप धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए, सेकुलरिज्म को बचाने के लिए खड़े होना हो, या जिस हिसाब से उनका टाइटल था उस दिन के 18 दिसंबर के एडिटोरियल पर, ठीक है। तो इसमें क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन 2019 आफ्टर द लॉन्ग डिलीबरेशन बाय द ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब बहुत विवेचना या बहुत सोच परख के इस चीज को लाया गया है। कहा किसके द्वारा जांच परख की गई, ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, अ रिपोर्ट ऑफ द कमेटी वाज अडॉप्टेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड प्लेस्ड ऑन द टेबल बोथ हाउस, और फिर वो अडॉप्ट की गई और फिर दोनों हाउस की टेबल पे मतलब लाई गई, दोनों हाउस में लाई गई, ठीक है, दोनों हाउस में उस समय 2016 में लाई गई थी। 2016 में क्या था, इसके बाद मेजोरिटी नहीं थी बीजेपी के पास राज्यसभा में,
या उतना कन्वेंस नहीं कर पाई थी राज्यसभा, तो ये फेल हो गया। बट लोग ये बोल रहे हैं कि बट लोकसभा इलेक्शन इंटरवीन, सो द बिल हैड टू बी री इंट्रोड्यूस इन दिसंबर 2019। अब वो 2016 में वो हुआ था, लेकिन लोकसभा इलेक्शन इंटरवीन एंड सो लोकसभा ने इंटरवीन कर दिया, तो वो दिसंबर 2019 में लाया गया। ग्राउंड लियल्टी द नीड ऑफ दिस विल अरोज पार्सली बिकॉज इस्लामिक थ्योरेटिक नीड फॉर दिस विल अरोज पार्सली, मतलब इस बिल की जरूरत क्या पड़ी, क्या इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया कि इस बिल को लाने की जरूरत पड़ गई, बिकॉज द इस्लामिक थ्योरेटिक नेशन, इस्लामिक राष्ट्र वाले नेशन कौन कौन से हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, है ब्रूटली परसिक्यूटेड नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज, मतलब जो यहाँ पर वो माइनॉरिटीज हैं नॉन मुस्लिम वाले, अहमदिया और उन पे तो है, लेकिन उनका धर्म एक है तो उसमें उनको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती कि भाई निकाह करवा दिया करबला या जो भी है उनका रिलीजियस होता है कि वो पढ़वा दिया नमाज अदा करवा दी, लेकिन इन माइनॉरिटीज़ को जबरी में नमाज अदा करवाई जाती थी और उनके रूल्स जो इस्लामिक रूल रेगुलेशन उसको फॉलो करने के लिए बाध्य किया जाता था। दिस हैज लेड टू शार्प फेल इन द प्रोपोर्शन ऑफ द नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी इन द टोटल, और इस कारण से वहाँ पे क्या हुआ, सारो एकदम से उनकी संख्या घट गई उन 20 कंट्रीज में। दोज हु सर्वाइव फोर्सिबली कन्वर्जन स्केप्ड एंड इलीगल एंटर्ड इंडिया, और जो बचे रहे कन्वर्जन से वो कहाँ आ गए, इंडिया में आ गए भाग के। देवर हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, पारसी, ये सब छह धर्मों के थे जो कि अमेंडमेंट बिल में जिनको इंक्लूड किया गया मुस्लिम को छोड़कर इनलीगल माइंड। एज ऑफ द दिसंबर 31st 2014 दे नंबर 31,313, ठीक है, टोटल कितने थे 31,313, 31,313 हिंदू कितने थे 25,447, 25,447, और सिख कितने थे 5,807, ठीक है, तो ये 5,807, बुद्धिस्ट कितने थे 2, क्रिश्चियन 55 एंड पारसीज कितने थे 2, दोज बिलोंगिंग टू द टू रिलीजन्स वर नॉट विद दिस इन लिस्ट, मुस्लिम एंड ज्यूज, मुस्लिम और ज्यूज इसमें नहीं थे, क्यों, क्योंकि ज्यूज कहाँ चले गए थे इसराइल, अ स्मॉल नंबर ऑफ ज्यूज माइग्रेटेड टू इसराइल, नो मुस्लिम और ज्यू केम टू इंडिया ओवर द लास्ट 70 ईयर ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियस परसिक्यूशन, मतलब मुस्लिम जो है कोई भी इस हिसाब से नहीं आया कि वो रिलीजियसली परसिक्यूटेड हो रहा है उन कंट्रीज में। पॉलिटिकल कंसर्न, पॉलिटिकल ओवर द पास्ट 70 ईयर, पॉलिटिकल कंसर्न भी हुआ, ऐसा नहीं कि किसी मतलब पॉलिटिकल पार्टी ने इससे पहले सोचा नहीं, सोचा है, बट आज वही पार्टी क्या कर रही है, उसका विरोध कर रही है, क्योंकि उनको किसका विरोध करना है, बीजेपी का विरोध करना। ओवर द पास्ट 70 ईयर मैनी लीडर्स ऑफ द डिफरेंट पार्टी एक्सप्रेस कंसर्न ओवर द अपेलिंग कंडीशन ऑफ द लिविंग ऑफ दिस कैटेगरी, मतलब इन भयानक कंडीशन को उन्होंने ऑब्जर्व किया या देखा, इनलीगल नॉट हैविंग द सिटीजन ऑन पासपोर्ट ऑफ आधार कार्ड, उन सिटीजन के बाद ना तो पासपोर्ट था ना आधार कार्ड था, दे कुड नॉट अवेल देम सेल्फ ऑफ एनी प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट, खुद को वो कोई प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट में भी नहीं लगा सकते थे, क्योंकि उनके पास क्या नहीं थी, सिटीजनशिप नहीं थी, और हर जगह आजकल आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी, हर चीज़ मांगते हैं अगर आपको काम पे रखते हैं। सो लेबर इन कंडीशन ऑफ द पॉवर्टी इन स्कैंड, जिसके कारण वो कहाँ रह रहे थे, गंदगी में और गरीबी में, इसको अलग मतलब गंदगी। द फर्स्ट अथॉरिटी ऑफ एक्सप्रेस कंसर्न ओवर दिस स्टेट ऑफ अफेयर वाज वर्किंग कमेटी ऑफ द यूनाइटेड कांग्रेस पार्टी, यूनाइटेड कांग्रेस पार्टी ने उस समय इस कंसर्न को रिकॉग्नाइज किया था। द कमेटी एडॉप्टेड द रेजोल्यूशन ऑन नवंबर 25, 1947, और इस कमेटी ने 1947 में एक रिजोल्यूशन निकाला था, क्या कहा था उस रिजोल्यूशन, सिटीजनशिप एंड फुल प्रोटेक्शन टू ऑल दोज नॉन मुस्लिम फ्रॉम पाकिस्तान हु हैव कम ओवर द इंडिया और मे डू सो सेव देयर लाइफ एंड ऑनर एंड अफर्मेशन ऑफ दिस व्यू केम फ्रॉम मनमोहन सिंह, ठीक है, उस समय भी पास हुआ, मनमोहन सिंह भी 2003 में एक वीडियो क्लिप जो अभी रिसेंटली बीजेपी ने भी लॉन्च की है उसमें भी ये मनमोहन सिंह कहते हुए दिख रहे हैं। डॉक्टर सिंह ने क्या कहा, आफ्टर अ पार्टीशन ऑफ द अवर कंट्री माइनॉरिटी इन कंट्रीज लाइक बांग्लादेश हैव फेस्ड परसिक्यूशन एंड इन इट्स अवर मोरल ऑब्लिगेशन, मतलब उनको स्वीकार करना या उनके अधिकारों में रक्षा हमारा मौलिक कर्तव्य है, दैट ऑब्लिगेशन कर्तव्य है, ठीक है, ऑब्लिगेशन मतलब कर्तव्य, दैट इज सर्कमस्टेंस फोर्स पीपल दीज अनफॉर्चुनेट पीपल टू सीक रिफ्यूज इन अवर कंट्री, अवर अप्रोच टू ग्रांटिंग सिटीजनशिप टू दीज अनफॉर्चुनेट पर्सन
should be more liberal. The same view was expressed in writing in 2014 to Prime Minister. यही बिल्कुल exact view जो आसाम के जो 2014 में तत्कालीन उस समय के जो मुख्यमंत्री जी थे, चीफ मिनिस्टर कौन थे, तरुण गोगोई, उनने भी इस कंसर्न को मोदी जी के सामने उठाया था एक लेटर लिख के. ठीक है, चीफ मिनिस्टर ऑफ विजन द सीम्स नॉट टू हैव अप्रिशिएट द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट. अब इस प्रकार से अगर वो लिख रहे हैं, इस प्रकार से वो बोल रहे हैं, तो वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को नहीं देख रहे हैं या अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं उस चीज को, क्योंकि उन्हें अभी इस चीज की जरूरत नहीं है. एंड द नीड टू ब्रिंग द क्लोजर द सेट कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिलीजियस थ्योरेटिकली इन आवर नेबरिंग. और देखना चाहिए उन्हें कि जो नेबरिंग कंट्रीज है वहां पर किस हिसाब से रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है. इंस्टीट्यूट ऑफ द एडवांस थ्री रीजन ऑफ अनाउंसिंग द सी. और बल्कि उन चीज को देखना चाहिए, ना कि निंदा करनी चाहिए थ्री रीजन देकर. फर्स्ट क्या था, दैट इज द अल्ट्रा वायरस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अल्ट्रा वायरस ये फ्रेंच वर्ड है, इसका मीनिंग होता है मतलब बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से अलग जाके इस चीज को बनाना. अल्ट्रा वायरस मतलब अलग से जाके किसी चीज को बना देना, फ्रेंच वर्ड है, इसीलिए तो भाई अलग फॉन्ट में इन्होंने लिखा है हिंदू वालों ने. तो अल्ट्रा वायरस होता है मतलब अलग, इसको आप हाईलाइटेड कर सकते हो. अल्ट्रा वायरस मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से अगेंस्ट या कॉन्स्टिट्यूशन से परे जाकर कोई बात की जाए. ठीक है, तो फर्स्ट क्या दिया इन्होंने, पहले विजन ने क्या दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन का दुरुपयोग किया गया, स्पेशली आर्टिकल 5-11. और आर्टिकल 5-11 का क्या किया है, वायलेशन किया गया है, गलत यूज. ऑल्सो 14 सेकेंड दैट इज द डिविसिव एंड वायलेंस ऑफ द ह्यूमन राइट. दूसरा इन्होंने बोला कि ये डिविसिव है, अलग करने वाला, भय उत्पन्न करने वाला, डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मुस्लिम, और मुस्लिम को डिस्क्रिमिनेट कर रहा है. थर्ड दैट द भारतीय जनता पार्टी एम इज टू एस्टेब्लिश हिंदू नेशन एंड एम टू अंडरलाइन द CAA. ठीक है, और CAA के अंडर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उसे हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए. अब इन्होंने ये दिए इनके तीन रीजन, अब ये क्या करेंगे उसको काउंटर करेंगे, तो देखते हैं किस तरह से. द फर्स्ट रीजन इज बेसलेस. आर्टिकल 5-10 हैव नथिंग टू डू विद द CAA. 5-10 से CAA का कोई मतलब नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई मतलब नहीं. आर्टिकल 11 इन फैक्ट एम्पावर द पार्लियामेंट टू ब्रिंग सच अमेंडमेंट एज अ CAA. जबकि आर्टिकल जो 11 है वो क्या करता है, उस चीज की पावर देता है गवर्नमेंट को या किसी को भी कि वो CAA जैसे एक्ट लाए. एज फॉर द CAA वायलेशन आर्टिकल 14, वी नीड टू लुक एट द लेटर ऑफ आर्टिकल 14 बट ऑल्सो जजमेंट गैलोर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस आर्टिकल. गैलोर मतलब बहुत आयत, ऐसे बहुत से हमें उदाहरण मिल जाएंगे जो जिस हिसाब के आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग नहीं होंगे, फिर भी वो आर्टिकल 14 को वायलेट नहीं करते. उसमें से एक एग्जांपल ये दे रहे हैं, अ सिंपल एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्रडिक्ट मिस्टर विजयन कंटेंशंस इज ऑफ द ब्राह्मण क्लेमिंग रिजर्वेशन. ठीक है, सिंपल एग्जांपल कॉन्ट्रडिक्ट मिस्टर विजयन कंटेंशन इज ऑफ द ब्राह्मण क्लेमिंग. ब्राह्मण क्या करते हैं, क्लेम करते हैं कि उन्हें भी रिजर्वेशन दिया जाए एन एजुकेशन स्कूल एज पर शेड्यूल्ड कास्ट, जैसा SC और ST को मिलता है बिकॉज ऑफ द आर्टिकल 14 गारंटी. क्योंकि आर्टिकल 14 क्या बोलता है, किसका इक्वलिटी का अधिकार हो जाता है. ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ. द सुप्रीम कोर्ट हैज रिपीटेडली मेड इट क्लियर दैट द इक्वलिटी बिफोर द लॉ इज ओनली फॉर दोज इक्वली प्लेस्ड. हेयर ऑन द रिलीजियस परसिक्यूशन द मुस्लिम ऑफ पाकिस्तान ETC आर नॉट सिमिलरली प्लेस्ड. मतलब इक्वली प्लेस्ड मतलब जैसे ST SC वाले कहीं जंगल में या कहीं रहते थे, आदिवासी टाइप की जनजातियां हैं कुछ हैं, तो वो एक नॉर्मल जो नॉर्मल फ्लो है या नॉर्मल लाइफ स्टैंडर्ड है उसको बिलोंग नहीं करते थे. तो उस चक्कर में उन्हें क्या दिया गया, स्पेशल स्टेटस या स्पेशल आरक्षण दिया गया. तो इस हिसाब से तो आर्टिकल 14 का यहाँ पे भी वायलेशन हुआ. ठीक है, इनका ये बोल रहा है, और फिर ये बोल रहे हैं कि इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी वायलेशन हुआ. लेकिन जो फिर अब ये उसी पे आ जाते हैं कि किस हिसाब से मुस्लिम वहाँ माइनॉरिटीज को परेशान करते हैं, मुस्लिम ऑफ द पाकिस्तान नॉट सिमिलरली प्लेस्ड. उसी हिसाब से जो मुस्लिम है वहाँ पे और जो परसिक्यूटेड पर्सन है वो सिमिलरली प्लेस्ड नहीं है, तो आर्टिकल 14 का भी ये वायलेशन नहीं करता है. मिस्टर विजयन फर्दर एड दैट द आर्टिकल 14 अप्लाई नॉट ओनली द सिटीजन बट ऑल पर्सन विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया. अब वो वहाँ पे एक उन्होंने लास्ट में, अगर मेरा एडिटोरियल आपने देखा हो तो लास्ट में उन्होंने एक लाइन भी बोली थी
कि ये सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया पर नहीं लागू करता, बल्कि जितने भी टेरिटरी में रह रहे हैं उन सभी का आर्टिकल 14 क्या होता है, अप्लाई होता है, सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए, चाहे वो नागरिक हो या ना हो। डू वी नो ऑफ द सिंगल एग्जाम्पल ऑफ मुस्लिम सिटीजन अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश हु एंटर्ड इंडिया ड्यू टू रिलीजियस परसिक्यूशन। अब उन्होंने उन्हीं से प्रश्न पूछा कि आप कोई भी एक बता सकते हो कि कोई भी ऐसा मुस्लिम जो रिलीजियस परसिक्यूशन के कारण यहाँ आया हो एंड कैन बी आइडेंटिफाई एज इलीगल माइग्रेंट, और इस हिसाब से आइडेंटिफाई हुआ हो कि इलीगल माइग्रेंट माइग्रेंट हो, ऑफिशियल एजेंट टू क्वालिफाई सिटीजनशिप अंडर सीए। द यूनियन होम मिनिस्टर इन द लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ इलीगल माइग्रेंट डिड नॉट डिस्कवर अ सिंगल सच मुस्लिम फ्रॉम दीज थ्री कंट्री। ठीक है, इट्स टू बी मेड क्लियर दैट देयर आर द फाइव वे टू फॉरेनर कैन मेड अ सिटीजन्स ऑफ इंडिया। मतलब ऐसा नहीं है कि हर किसी को अलग किया जाएगा। ठीक है, जो प्रिपेयर्ड हुई वो हर किसी को इलीगल करा दिया जाएगा। इट्स टू बी मेड क्लियर दैट देयर आर द फाइव वे टू फॉरेनर कैन बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब जो विदेशी हैं वो पांच बे हैं या पांच रास्ते हैं जिनसे सिटीजनशिप ले सकते हैं इंडिया की, सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, इसका मैं वीडियो आपको बना दूंगा, अगर आपको इसकी वो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना या मैं बनाऊंगा तो आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट में कौन कौन फॉरेनर हमारी नागरिकता ले सकता है, और अब पहले का क्या था चेंजेस और अब क्या है, नेमली ऑफ बर्थ, नेमली बाय बर्थ, बाय बर्थ मतलब उसका यहाँ पे जन्म हुआ हो, डिसेंस मतलब वो यहाँ के किसी वंश का हो, रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, नेचुरलाइजेशन मतलब नेचुरलाइजेशन मतलब उसके पैदा यहीं हुआ हो, नेचुरल जो है वो तो पैदा यहीं हुआ हो। इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी या किसी टेरिटरी को आप क्या कर दो अपने संघ में मिला लो, तो वो तो फिर वहाँ के सिटीजनशिप हो ही सकती है। जैसे अफगानिस्तान को हम लोग अपने उसमें भारत संघ में या भारत गणतंत्र रिपब्लिक ऑफ इंडिया में समाहित कर लें या मिला लें, जो अगर होगा पॉसिबल तो उसको हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। द सी ए 2019 एट कंट्री स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ द नेचुरलाइजेशन सेक्शन, हाउ एवर एनी मुस्लिम कैन बिकम एन इंडियन सिटीजन अंडर द नेचुरलाइजेशन सेक्शन। ठीक है, जो भी कोई है मतलब ये पांच सेक्शन है जिसमें से कहीं का भी मतलब एक्सेप्शन है, ये नेचुरलाइजेशन सेक्शन को इस बिल में नहीं डाला गया है। ठीक है, तो कोई भी मुस्लिम जो है वो नेचुरलाइजेशन सेक्शन के तहत नागरिकता ले सकता है, फॉरेनर मुस्लिम मतलब इन तीनों राष्ट्रों से भी मतलब बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भी कोई मुस्लिम क्या कर सकता है, नागरिकता ले सकता है। तो ऐसा कोई डरने की बात है नहीं। हिंदुत्व एंड कॉन्स्टिट्यूशन मिस्टर, अब लास्ट है वो हिंदुत्व वाला जो उन्होंने बोला था। ठीक है, उस पर आए हिंदुत्व एंड कॉन्स्टिट्यूशन मिस्टर विजन मेक अ फाइनल पॉइंट दैट द एजेंडा ऑफ हिंदुत्व एंड द अल्टीमेट गोल ऑफ एस्टेब्लिशिंग द हिंदू नेशन अंडर द सिटीजनशिप, अनफॉर्चुनेटली द प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेबल बियॉन्ड द बेसिक स्ट्रक्चर। तो उन्होंने फिर ये बोला कि जो प्रणय विजन ने बोला था कि भाई सी ए के अंतर्गत या सी ए की आड़ में ये क्या बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो स्वामी जी बोल रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर कोई हिला नहीं सकता कॉन्स्टिट्यूशन के, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ना तो अमेंडेबल है ना उसे कोई चेंज कर सकता है, वो डिफाइंड बाय और किसके द्वारा परिभाषित है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा परिभाषित। सो देयर इज नो नीड फॉर एनीवन टू अंडली वरी अबाउट इट, ना तो बेचैनी करनी चाहिए ना उसमें भय उत्पन्न या डरना चाहिए कि ये चेंज हो जाएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा या कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट चेंज हो जाएगी। फॉर पर्सन लाइक द माई सेल्फ हु आर कमिटेड टू टीचिंग हिंदुत्व, मेरे जैसे पर्सन जो हिंदुत्व को बढ़ावा देने, हिंदुत्व को पाठ पढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, टू अवर्ड डिवाइडेड और यूनिफाइड करना चाहते हैं डिवाइडेड हिंदू सोसाइटी को, किस किस बेसिस पर, कास्ट लैंग्वेज एंड रिलीजियस बेसिस, हिंदू इज ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड लार्ज मेजर इन द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, अभी भी हिंदू बहुत बड़े भाग में कॉन्स्टिट्यूशन में है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं द यूज ऑफ संस्कृत वोकैबुलरी आर्टिकल 375 में संस्कृत वोकैबुलरी का यूज हुआ है, ऑफिशियल प्रमोशन ऑफ द देवनागरी स्क्रिप्ट एंड इट्स मॉडिफाइड न्यूमरल्स। ठीक है, आर्टिकल 343 में देवनागरी को प्रमोट करने के लिए बोला गया है, द बैन ऑफ काउ स्लॉटर आर्टिकल 14 में बोला गया है, द यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में बोला गया है, एंड द फेथ पार्ट ऑफ द अनअमेंडेबल बेसिस स्ट्रक्चर, मतलब ये फेथ के पार्ट्स, फेथ एज अ पार्ट ऑफ अनअमेंडेबल स्ट्रक्चर, ये आप चेंज नहीं कर सकते, दिस इज एनफ टू असर द हिंदू, और ये हिंदू नेशन होने के लिए काफी है।
ये पहले से ही हिंदू नेशन है, इसके लिए हिंदू बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, इनका बोलना है। बिकॉज हिंदुइज्म ओनली रिलीजन दैट फॉर्मली एक्सेप्ट दैट ऑल रिलीजन लीड टू गॉड, क्योंकि हिंदू रिलीजन ही है जो हर किसी को एक्सेप्ट कर सकता है, बाकी कोई ऐसा रिलीजन नहीं है जो किसी को इन सब मतलब सभी धर्म वाले को इक्वल अधिकार दे के एक्सेप्ट कर सके। और फिर उन्होंने सर्वधर्म संभाव वाला कोट इन्होंने लिखा है, हेंस हिंदुत्व इज नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी टू सेकुलरिज्म। और बाद में ये अंत करते हैं कि अतः हम ये बोल सकते हैं कि हिंदुइज्म जो है सेकुलरिज्म के लिए खतरा नहीं है। तो आई होप यू एंजॉय दिस एडिटोरियल, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, और अभी तो और शेयर करें, क्योंकि ये रियलिटीज मालूम चलनी चाहिए। दो इंटेलेक्चुअल्स के बीच में जब बात होती है तो रियलिटीज निकलती हैं, ठीक है। सब्सक्राइब करें वो आपका मन है, लेकिन शेयर जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, लोग समझें तो कि आखिरकार हो क्या रहा है, क्या है सिटीजनशिप अमेंडमेंट, और जो भी अभी हो रहा है उसमें नेचुरलाइजेशन का भी ये कॉन्टेक्स्ट, इसको मैं हाईलाइटेड किया, इसके अंतर्गत कोई भी मुस्लिम इन तीनों देशों से आया हुआ भारत की नागरिकता ले सकता है, तो उसके लिए कोई ऐसे डरने वाली बात नहीं है। ये मेरी गुजारिश है पर्सनली, अभी तो आप इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोगों को मालूम चले कि क्या है आखिरकार, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ठीक है, थैंक यू। पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, थैंक यू।